फाइनली इंडियन सर्वर में ईवो M4A1 आ गया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसको निकलने में और अपग्रेड करने में कितना डायमंड यूज होता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो ये सारे के सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दो चीज को निकल दिया, कितना डायमंड है पहले देख लीजिए। मैंने स्पिन को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम इसमें ना वेस्ट हो। देखिए 919 ऐसा करके फेडेड व्हील में स्पिन होता है, कर्सर मूव कर रहा है और इन गेम आइटम अभी मुझे मिल रहा है। ये सारे के सारे 30 जैसा ही है, फालतू का वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम। देखिए अभी स्पिन चालू है, इसके अपग्रेडेशन के लिए कितना टोकन की ज़रूरत होगा और कितना डिस्काउंट कूपन हम यूज़ कर पाएंगे वो भी इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्पिन लगभग खत्म होने ही वाला है और 3 स्पिन का ज़रूरत है। देख लीजिए क्या क्या मिलता है, डायमंड वाउचर और उसके बाद ये स्काई बॉडी मिलेगा और उसके बाद ये लेवल 1 का, देख लीजिए उसके बाद ये लेवल 1 का ईवो M4A1 बढ़िया है। चलिए अभी देखते हैं इसको अपग्रेड करने में कितना डायमंड यूज़ होता है। तो फेडेड व्हील का स्पिन यहाँ पे ख़त्म होता है, अभी कितना डायमंड है वो एक झलक देख लीजिए। पिक्चर अभी बाकी है कि और भी बहुत सारे डायमंड का ज़रूरत होगा। तो यहाँ पे मुझे 1082 डायमंड यूज हुआ है। अभी इसको अपग्रेड करने के लिए ईवो सेक्शन में जाएंगे और लेवल 2 से लेवल 5 तक इसको अपग्रेड करेंगे। तो चलिए अभी ईवो सेक्शन में आ गया और ईवो M41 को सिलेक्ट कर लेते हैं और लेवल 2 को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको अपग्रेड में क्लिक करने के बाद देखिए क्या आ रहा है। तो इतना कूपन से नहीं होगा, इसके लिए हम जाएंगे स्टोर में कैरेट सेक्शन में और वहां पे जाके ईवो M4A1 का जो टोकन बॉक्स है ये वाला बॉक्स हम बहुत सारे खरीद लेंगे क्योंकि लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक अपग्रेड करना है। डिस्काउंट कूपन के हिसाब से जितना सारे बॉक्स होगा हम यहां पे खरीद लेंगे, इसीलिए देखिए प्लस माइनस में एडजस्ट करके मैं यहाँ पे 51 बॉक्स खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे लग जाएगा फुल्ली अपग्रेड करने के लिए। तो देखिए 51 बॉक्स में मुझे कितना डायमंड लग रहा है डिस्काउंट कूपन के बाद। अब देखिए कितना टोकन है, बहुत सारे टोकन हमको यहाँ पे मिल गया, लेकिन इतना टोकन काफ़ी है क्या 7 लेवल तक अपग्रेड करने के लिए? चलिए देखते हैं, इसको अपग्रेड करने के बाद ही पता चलेगा और कितना टोकन की ज़रूरत होगा और इस टोकन में कितना तक अपग्रेड हो सकेगा। चलिए ईवो सेक्शन में आ गया, ईवो M4A1 को सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं लेवल 2 में अपग्रेड के लिए कितना चाहिए देख लीजिए। तो लेवल 2 अभी हो गया, अभी देखते हैं नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करने के लिए कितना टोकन की ज़रूरत है। तो लेवल 3 को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए हाँ ये भी हो जाएगा। तो लेवल 3 भी अपग्रेड हो गया और उसके बाद अभी देखेंगे लेवल 4 में कितना टोकन की ज़रूरत है। तो लेवल 4 भी अपग्रेड हो गया और कितना टोकन की ज़रूरत होगा मुझे 5, 6 और 7 के लिए, चलिए देखते हैं। लेवल 5 को सिलेक्ट कर लेते हैं इस बार और इसको अपग्रेड करने के लिए देखिए बहुत ज़्यादा टोकन की ज़रूरत है, लेकिन इतना टोकन अवेलेबल नहीं है। तो फिर से स्टोर में जाके उसी तरह से टोकन बॉक्स खरीदना है। तो वैसे ही हम टोकन बॉक्स खरीद लेते हैं और इस बार मेरे पास 700 का डिस्काउंट कूपन नहीं है, तो जितना डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। देखते हैं प्लस माइनस एडजस्ट करके कितना 250 का डिस्काउंट कूपन है, उसमें कितना बॉक्स हो रहा है अभी देख लीजिए। डायमंड तो अवेलेबल है, हो जाएगा। तो इस तरह से और भी कुछ टोकन बॉक्स हमको खरीदना पड़ रहा है। लेवल 4 तक अपग्रेड हो चुका है, अभी लेवल 5, 6 और 7 बाकी है। तो इस टोकन से कितना तक होगा अभी पता चल जाएगा। 250 डिस्काउंट कूपन को हम यहाँ पे यूज़ करके 38 टोकन बॉक्स खरीदेंगे और उससे जो टोकन मिलेगा उसमें कितना टोकन होता है देख लेते हैं और उससे कितना तक अपग्रेड होता है अभी पता चल जाएगा। देखिए कितने सारे टोकन मुझे मिल रहा है, क्या ये काफ़ी है? चलिए देखते हैं अभी ईवो सेक्शन में जाके। हाँ यहाँ पे देख के तो लग रहा है कि 1 लेवल तो ज़रूर होगा, लेकिन मतलब 5 लेवल तो हो ही जाएगा, 6 लेवल होगा कि नहीं इसमें डाउट। चलिए देखते हैं कितना है। चलिए ये लेवल 5 भी हो जाएगा, लेकिन लेवल 6 के लिए और भी मुझे टोकन बॉक्स खरीदना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कैसे लेवल 6 को अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे डायमंड अभी भी हाथ में है और उसी से लेकर हम बहुत सारे टोकन बॉक्स भी खरीद सकते हैं और खरीद के लेवल 6 को भी अपग्रेड कर लेंगे। वीडियो को यहाँ तक अगर अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुँच जाए। अभी लेवल 6 और 7 अपग्रेड करने के लिए डिस्काउंट कूपन की भी ज़रूरत होगा क्योंकि बहुत सारे टोकन बॉक्स खरीदना पड़ेगा, इसीलिए अभी इसको अपग्रेड हम नहीं करेंगे। जैसे ही मेरे हाथ में 700 वाला डिस्काउंट कूपन आ जाएगा उसके बाद ही हम इसको 6 और 7 लेवल तक अपग्रेड करेंगे। 6 लेवल में जो एक्स्ट्रा एबिलिटी है ग्लू वॉल पे एक्स्ट्रा डैमेज वो फीचर हमको नहीं मिला, लेकिन
बाकी जो फीचर्स और एट्रीब्यूट्स है जैसे कि डबल डैमेज, सिंगल रेट ऑफ फायर और रिलोड नेगेटिव वाला फीचर, वो हमको लेवल 5 अपग्रेड करने तक मिल चुका है। तो 6 और 7 अपग्रेड हम बाद में करेंगे, और कितना डायमंड और डिस्काउंट कूपन लगेगा और कितना कूपन यूज़ होगा वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले।